अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ सवैयों का जरदा या अंडे वाली सवैयाँ, दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं। हम जो हैं इसे अंडे वाली सवैयाँ कहते हैं। सबसे पहले जो चीज़ें लेनी हैं उसमें जो है सवैयाँ, एक पैकेट लिया है मैंने 150 ग्राम करीब है। फूड कलर लिया है मैंने एग येलो। शुगर ली है 1 कप के करीब है। और जो है दूध वो मैंने लिया है 1/2 किलो। गार्निशिंग के लिए पिस्ता बादाम काजू लिए हैं, थोड़े से मैं बीच में डालूंगी। और ऊपर इलायची के दाने लिए हैं, 3 से 4 इलायची के दाने हैं। असली देसी घी लिया है मैंने। और माशाल्लाह से 8 अंडे लिए हैं सवैयों में डालने के लिए। सबसे पहले जो है पीले में घी शामिल करना है। आप चाहें तो इसे ऑयल में भी बना सकते हैं, पर मैं घी में बना रही हूँ क्योंकि जो है इससे माशाल्लाह जो है जायका जो है टेस्ट वो और अच्छा हो जाता है। इलायची भून लेंगे 1 मिनट तक, धीरे धीरे में ऑयल गर्म हो रहा है। फिर इसमें जो है सवैयाँ शामिल कर ली है। आप ज़रूर ट्राई करें एक मरतबा इसे घर पर, बहुत अच्छी बनती हैं ये और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। इलायची जो है जब कड़कड़ाने लग गई है मेरी, अब इसमें जो है हम सवैयाँ शामिल करें। और इस बात का भी आपका ख्याल रखना कि जो आपकी आँच है वो धीमी हो, ये ना हो कि डार्क ब्राउन हो जाए सवैयाँ, ये बिल्कुल हल्की आँच पे होंगी। तोड़ के डालनी है आपकी सवैयाँ और इसे जो है बिल्कुल हल्की आंच पे तकरीबन 5 से 6 मिनट जो है भूनना है। अब देखें क्या करना है, दूध अंडे जो है वो और चीनी एक साथ शामिल कर लेनी है। सवैयाँ जो है मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे भूनने के लिए रखी हुई है और उसके साथ ही मैं ये प्रोसेस कर रही हूँ, इसे मैंने जो है बीट कर लेना है। सवैयाँ जो है वो मैंने 5 मिनट तक जो है भूनी है धीरे, और माशाल्लाह से अब इनकी जो है भूनने की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। और देखें वैसी है, बस हल्की सी लाइट गोल्डन हुई है। और इसमें जो है मैंने दूध चीनी और अंडे जो है बीट किए थे वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और साथ ही मैंने जो है फूड कलर डाला था एग येलो। और आंच जो है वो आपने धीमी ही रखनी है और बिल्कुल हल्की आंच पे इसे जो है बनाना है। दूध जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ड्राई होने लग जाएगा और जो चमचा है वो भी मुसलसल फेरते रहना है, रोकना नहीं है। अगर आप चाहें तो इसे जो है दूध को बॉयल होने तक आंच थोड़ी सी तेज कर सकते हैं। देखें जो सवैयाँ हैं वो माशाल्लाह से तैयार है तकरीबन। दूध जब आपका पकने लग जाए तो फिर गैस हल्की कर दें आप, और हल्की आंच पे से करना है, बस ये ऑयल छोड़ दें। जो घी मैंने डाला था वो जो मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी शबनम ने, मामा ने और शायदा ने, इफ्रा गानिया ने कि मैं ये अंडों का जो है जरदा सवैयाँ बनाऊँ अंडों वाली। और देखिए माशाल्लाह से इसका कलर कितना अच्छा आया है और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। अब ये हो गई है, मैं इसे जब ये कंप्लीट हो जाए आपकी तो इसे जो है बिल्कुल हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए जो है दम दे देना है ताकि जो ऑयल है जो घी है अपना वो छोड़ दे। और ये तैयार है, ये बहुत क्विक रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है मीठे में। सवैयाँ मेरी माशाल्लाह तैयार है और देखिए मैंने इस पर जो है चांदी का वर्क लगाया है और पिस्ता बादाम काजू जो है वो मैंने इस पर कूट के डाला है ताकि नज़र आए, ज़रा मोटा मोटा रखा है मैंने। और एक और रिक्वेस्ट थी इसके लिए अमीर अली की,
उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किए थे, वो बहुत शौक से खाते हैं, तो इसलिए सबकी जो है रिक्वेस्ट मैंने पूरी की है। इस पर आप ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको किस तरह का लगा है। ये बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।